हरियाणा में डेंगू के अचानक प्रहार से पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल है। हरियाणा का लगभग जिला, हर जिला यूं कहें, डेंगू की चपेट में है, जिससे लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी हड़कंप में है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग हरकत में भी आ चुका है। डेंगू से बचाव के लिए लोगों को और जागरूक किया जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। डेंगू की डरावनी दस्तक से हरियाणा में दहशत है। डेंगू के अचानक प्रहार से प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मच गया। डेंगू ने हरियाणा के लगभग हर हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। गुरुग्राम से लेकर पंचकुला तक लोगों में डेंगू के डंक का जबरदस्त डर बैठ गया है। प्रदेश में डेंगू से सबसे ज्यादा हालात पंचकुला में खराब है। पंचकुला में डेंगू के 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग के दर्ज आंकड़ों के मुताबिक एक शख्स की मौत हो चुकी है। पंचकुला के बाद यमुनानगर में डेंगू अपने पैर पसार रहा है। जिले में अब तक 44 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। तीसरे पायदान पर है साइबर सिटी गुरुग्राम। यहां 23 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए। वहीं गुरुग्राम के बाद सिरसा में भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। जिले में डेंगू ने 14 से ज्यादा लोगों को बीमार बना दिया है। यही हाल करनाल का है। यहां 12 लोगों को डेंगू हो चुका है। करनाल के साथ साथ कुरुक्षेत्र में भी डेंगू ने 10 लोगों को अपने चपेट में लिया है। बात सोनीपत की करें तो यहाँ मरीजों की संख्या बेशक 8 है, लेकिन डेंगू यहाँ भी धीरे धीरे पैर पसार रहा है। डेंगू के मामलों में पंचकुला इस वक्त हॉटस्पॉट बना हुआ है। प्रदेश भर में 50% से ज्यादा मामले अकेले पंचकुला से सामने आए। जिले में सबसे ज्यादा हालात पिंजौर और कालका की खराब है। पंचकुला के पिंजौर कालका एरिया के अंदर दिनों दिन डेंगू मलेरिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। उन कारणों को तलाशने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते पता चल सके कि आखिरकार डेंगू और मलेरिया के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं। क्योंकि साफ पानी के अंदर डेंगू के मच्छर का लार्वा पनपता है। वहीं पिंजौर जो कस्बा है, यहां पर प्राकृतिक बावड़ियों का एक जमावड़ा है। कई दर्जनों बावड़ियां प्राकृतिक तौर पर बनी हुई हैं। प्राचीन टाइम की इन बावड़ियों के अंदर पानी जमीन से ऊपर आता है और उसके बाद जमा रहता है। इसी पानी के अंदर, क्योंकि यह पानी साफ है, इसी पानी के अंदर डेंगू का लार्वा पनप सकता है। जब साफ पानी एक जगह पर मौजूद रहे, एक जगह पर जमा हो, तो उस पानी के अंदर डेंगू का लार्वा पनपना लाजमी है। इस तरह की कई बावड़ियां अभी भी मौजूद हैं, पानी उनके अंदर भरा हुआ है। ऐसे में बच्चे नहाने आते हैं। इन बावड़ियों के आसपास भारी संख्या के अंदर लोगों के मकान हैं। इन्हीं बावड़ियों के अंदर लार्वा जमा होता है, जहां से फिर मच्छर पनपता है और वही मच्छर इन लोगों के घरों तक पहुंचता है, जिसके चलते अभी तक पिंजौर कालका के अंदर 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पंचकुला के साथ यमुनानगर में भी हालात लगातार बिगड़ रखे हैं। डेंगू के मरीजों को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। डॉक्टर्स ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। जो डेंगू और मलेरिया का मच्छर है, ये पानी में पैदा होता है, तो क्योंकि बरसात का मौसम है तो कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ टूटे बर्तन, पुराने टायर वगैरह, कुछ टंकी लोगों की ढकी नहीं होती, तो वहाँ ये इस मौसम में ये मच्छर पनपता है। तो मेरी लोगों से अपील है कि अपने घर में हफ्ते में एक दिन ड्राई डे मनाएं, जिसमें वो छत से लेके अपने सारे गमले, कूलर, टंकी सब चेक करें। टंकी का ढक्कन लगा हुआ है, कूलर में पानी तो नहीं खड़ा हुआ है, गमले में पानी तो नहीं खड़ा है। उसी के साथ वक्त छोड़